हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। टुडे विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 4, दैट इज केमिकल बॉडी। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड वोलेंट बोर्ड। नाउ कम टू द अवर नेशनल टॉपिक विच इज आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। So what is the basic requirement of ionic bond? So one is matter and another one is non-matter. इसके अंदर एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन आपका आयनिक बॉन्ड के लिए बनेगा। तो क्या होगा, मेटल और मेटल हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, बट दे कैन नॉट लूज, दे कैन एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नॉन मेटल्स, तो इसको आप बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है वो आपके पास होता है आयनिक बॉन्ड, क्लियर। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल इसके अंदर भी वैलिड होना है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप NaCl। तो NaCl का केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अंडरस्टैंड आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Na और Cl दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। सोडियम को अगर न्यूट्रॉनिक कंफिग्रेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये बनेगा 281। Cl को इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के बेस पर अगर आप देखोगे तो 287, क्लियर। तो अगर आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, और Cl के भी एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम उसको दे देगा तो Cl भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेगा। दैट मीन्स दे कैन सेटिस्फाई द ऑक्टेट। तो सिंपली अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे, सोडियम लीज सिंपल देखो, सोडियम आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करो। Cl हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपके पास जो Cl है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है नॉन मेटल, तो यहाँ पर बनेगा Na, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उस पर चार्ज हमेशा आएगा प्लस, और जो रिसीवर होगा वो हमेशा माइनस चार्ज होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन एक रिसीव किया है तो इसलिए चार्ज कितना आएगा, माइनस वन। इन दैट केस अगर दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो आपका चार्ज माइनस वन। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो आपको बन रहा है ये किसकी साइड से, सोडियम की साइड से। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनता है तो वो आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो टोटल बॉन्ड की अगर बात करें, टोटल बॉन्ड तो वहाँ पर रहेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा। इन दैट केस अगर दो ट्रांसफर होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, गॉट इट, यस और सीधा डबल बॉन्ड एग्जांपल लाइक MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं मैग्नीशियम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर लोगे 2E2, वैसे ऑक्सीजन 8, तो ये बनेगा 2N6, क्लियर। तो आउटर मोस्ट में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 6 है। अगर Mg आपके ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Mg के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन भी कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास Mg का लुई सिंबल आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से, और ऑक्सीजन आपके पास होगा 6, 1, ये इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो तो बेस्ट रहेगा, 4, 5, 6, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो Mg हैविंग
क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो चार्ज क्या जाएगा प्लस टू, और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा तो बनेगा माइनस टू। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और जोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो डबल बॉन्ड्स बनेंगे, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स आपके पास बनेगा, यानी टोटल बॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे टू। अंडरस्टैंड ये सब। इन दैट केस ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल अगर आपको बताएं तो जैसे एल एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो यहाँ पर एल नंबर इज 30, के एलेवन के अकॉर्डिंग आप बनाओगे इसको तो ये बनेगा 283 और नाइट्रोजन आ जाएगा चलेगा 2N5, क्लियर। तो ये अगर तीन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एल के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है 3, 1, 2, 3, और नाइट्रोजन कितना है 5। तो 5 का आपका कुछ इस तरीके से बना दो गया 3, 4, 5, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3। तो ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप, एल चार्ज प्लस 3 और नाइट्रोजन पर चार्ज क्या जाएगा माइनस 3। इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते, उसके बाद यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन पर कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6, 7 एंड 8, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स होंगे, टोटल जो बॉन्ड्स होंगे वो कितना होंगे 3। तो टोटल बॉन्ड्स कितना होंगे 3। अंडरस्टैंड यस ऑल। तो होपफुली आपको आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हाउ टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन एंड हाउ विल जनरेट द केमिकल बॉन्ड, क्लियर। और इसके अंदर बेसिक चीज़ें भी आपको याद रखना है, आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू ऑल ऑफ यू, होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।